क्यों का बिगड़ गए बारे मास्टर अच्छा देखे हमारे देश की बात बाम रामायण का बात बाम भगवान जी रावण के मरलन का है के उनमें कारण रहल बिरहार सुनले हुए हैं रामायण सुनले हैं लेकिन उनका कारण का रहल कि जौन भगवान रावण के मल्लन अयोध्या पुरी से जाके लंका में राढ़ कैलन रावण तो बहुत दिना से राजा रहल रावण की नहीं कोई विद्वान भी नहीं रहल बहत्तर चौकड़ी राज भी किया अयोध्या में राम पैदा भेलन तो जंगल में जाके लंका में राढ़ कैलन ओकरे बहनी के साथ रावण राड करने नहीं आया था आप विचार कर ले क्यों उसको मारे ए भाई साहब आया जात धर्म पर इंसान जात पर हमारे देश में लड़ाई बा जात और धर्म के पीछे यही दू का लड़ाई बा जात धर्म पर इंसान होता समाज में कुर्बान है दास्तान सुनो जी इसमें भेद अनेक जात धर्म में भेद बा और वो भेद का कोई था ना पावत बा जातों में भेद बा धर्मों में भेद बा और यही दोनों पर लड़ाई बा इधर जात को मायावती के संगे मुलायम के संगे जात के पीछे लड़ाई बा भाजपा वालन को धर्म के पीछे लड़ाई बा ये देखे आज देशवे रुझा गई बा तो तेरी का भाव मिलल ए भैया नहीं तर्जबा नकाबे नकाबे हुस्न बजावा ना तर्ज बजावा ना यो अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है नकाबे हुस्न यूं मुसलसल उठाई जाती है मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है ये तो भाव मिलल लेकिन रामायण की बात बा भैया बात वेदों की सबको बताई जाती है बात वेदों की सबको सुनाई जाती है अरे जात होता नहीं फिर भी बनाई जाती है जात होता नहीं फिर भी बनाई जाती है सुनाम जात ना हो जात पशु में होलन मानो में जात ना होतन मानो में जवान हाथ बावा दहिना बा मुसहरों का रखल बा अहिरों का रखल बा
बाबुओ साहब के बाई बावा बाई दहिना बा कि मुसहरे कांड बन रहा जैसन गोड़ अहिरे कर रही पंजा वैसा मुसहरो कर रही जमीनी पर धूरी में अगर पंजा डाल दे अहिर तो वैसा मुसहरो कर रही वैसा अहिरो कर रही। अब बकरी का गोड़ अब भेड़ी का गोड़ गाय का गोड़ भैंसी का गोड़ चिन्हा जाई लेकिन मानो का गोड़ चिन्हाता नहीं कि फलाने जात का बा लेकिन वो समय सबकर जात अलग अलग बा तो सबकर पैर भी अलग अलग बा। आप विचार कला अब केहू से केहू जोड़ा खाई तो पैदा न हुई और भैंसी से गैया एक किस्म का हो ना लेकिन भैंसी से जोड़ा गैया न साण न खाई और आदमी से मुसहर और ठाकुर लोग बाकी हूँ सुना हम बतावत है बजाओ न मर्दे। अरे जात होता नहीं फिर भी बनाई जाती है जैसे आज आप लोग देखले हो बाम राज सतजुग का जब रहल तक गणेरिया राज करत रहलन जबकि हमने सतपाल कहिला सतपाल गणेरिया रहलन जैसे कि आज हमने के गणेरिया का राज रहल है देव गोड़ा जो रहलन है गणेरिया रहलन इन्हा उतार के केकर राज भइल है गुजराल का राज भइल है पंजाबी हुए आज गणेरिया उतार गए वैसा सतजुग में गणेरिया राजा रहलन तब गणेरिया के राज में एक काम भल रहल सतजुग में राजा थे सतपाल ज्ञानी सतजुग में राजा से सतपाल ज्ञान करते थे राजा सुनो उस बानी। अरे जात में जात मिलाई जाती है बात वेदों की फिर भी सुनाई जाती है सतयुग में राजा थे सतपाल ज्ञानी शादी की ये जिससे राजा थे सतपाल ज्ञानी शादी की ये पुंडरी से ब्राह्मण सयलानी एक पुंडरी कांछा का नाम कांछा ब्राह्मण रहे उस सतपाल राजा का मंत्री रहे और वो जमाने में एक पुंडरी जवन लिखल अला ओम पवित्रो पवित्र पुंडरी कान छो आए नमा तनो हरी अपने कितव्यम लिखावेल अभियाम और आप लोग लिखल बियाहवा में पुंडरी कान छा मंत्रियों में पढ़ाला पुंडरी ओम पवित्रो पवित्र पुंडरी कान छो आए नमा तनो हरी छोड़ दे बचवाए तो पुंडरी नाम के कर हो मुसहीन हो मुसहीन से कांछा पंडित का बियाह भयल बा वही में पुंडरी कांछा आपन नाम रख दिले हुए तो अब इन्हें पंडित के मुसहर कहल जाए कि पंडित मुसहिनिया के पंडिताई कहल जाए पंडित के बभाइन कहल जाए आप सोच के बतावा और इन दोनों जने का शादी पुराण में लिखल बा पुंडरी कांछा पुंडरी जवान हो मुसहीन का लड़की बा अब कांछा जौन हुए तो ब्राह्मण हुए दोनों जने का शादी बा सतयुग में गणेरिया का राज रहल ते भैया सुनाम। अरे कवन जात मानी अरे बनाई जाती है जात होता नहीं फिर भी देखा युग में ब्राह्मण और मुसहनी का शादी भइल बा तैथिन भाव तेरी का मिलल आज जात के पीछे लड़ाई होत बा धर्म के पीछे तय भैया लिखल बा केहू कही तो ओके बदे शर्त लगा ले हम रामायण रख ले है
ललई यादव कानपुर मिलिट्री के कैप्टन उनका ए वक्त चलत हम जौने में थुआ छपाला काना प्रेस उनके लड़का का नाम सुरेश कुमार बा ई सब रामायण बा लिख के रखल ए भैया अरे बुरैया हम छिपाई कैसे रामायण में बात हो के हमारे छिपोले छिपी अरे बुरैया हम छिपाई कैसे होला जात के पीछे समाज में लड़ाई अब रावण का पैदाइश सुनला कहूं मनारी विष सर्वाधिक रावण का रहल ओकर माई धोबिन रहल ओकर बाप बाभर रह सतयुग में बाभन जो रह उ मुसहिन से ब्याह कर रह मुसहिनिया के बभाइन कहब कि पंडित के मुसहर कहब अब एहर के बात सुनला बाभन ई लड़िकवा जो रावण रहली केकर लड़का रहल कहूं मनारी विष सर्वाधिक धोबिन है सुनिए श्रीमान खास से किस जात मानू त्रेता की है सही बयान अरे गौर करो जिसका सुत रावण लंका में था वीर घोर निशाचर सियाहर से कहलाया रावण विद्वान रावण महाबली जवान माना गया था विद्वान माना गया था ओकरे कितना बड़ा कोई विद्वान नहीं था तपस्वी था विद्वान था अपने सर को काट लेता था फिर जिंदा हो जाता था लेकिन भगवान उसको मारे ओकरे बाप का नाम विशेष सर्वा नाम रहल ओकर मतारी जो रहल तो हम धोबिन रहल उ काट करके देखत रहल बड़े भैया उ काट करके देखत रहल कि हमार ब्याह कैसे बा तो में मिल गल कि हमार ब्याह धोबिन से बा विशेष सर्वा जौने लड़किया से रहल ओके चाकू मार के उ लड़की के एक ऋषि पा करके जिंदा रखलन उसे शादी भइल विशेष सर्वा को तब जब उसे पूछत हुवन जाके पंडित जी से ब्रह्मा जी से कहो तू कहला कि धोबिनी के लड़की से तुहार ब्याह बा तो कहे जाके देख ला ओकरे पेटे में दागी हो चाकू को जाके उघार के देखत बा विशेष सर्वा तो वो धोबिनिया के चाकू का दागी बा जहां मर लेगा ब्याह उनसे हो चुकल बा तो ई पुराण कहत बा साची बा बनावे लिखे वाला लिखले बा तैथिये में के गीत मिलल भैया तरज बा उड़ जाई बा राजा अचरिया में लोक ले यह बजाद मास्टर दू युग में दू जात मिलन एक ब्राह्मण मुसहिनी का पैदाइश मिले और एक धोबिनी और ब्राह्मण का पैदाइश मिलल अब बतावत थैला ए भैया दू युग बीत गल बा सतयुग और त्रेता अरे उड़ जाइबा राजा आचरिया में लोक लेब लोक लेब उड़ जाइबा पढ़ातनी बेदवा पढ़ातनी बबुआ पूरा नवा उठा के Thank you.
जाली कल रामायण में बतिया रावण यस पंडित हुआ न कोई जतिया अरे रावण को क्या मानू अरे कहना चेताई के पढ़ा तनी बाबू पूरनवा उठा के अब रावण के का मनबा रावण के पंडित मनबा कि धोबी मनबा अपने विचार से ऐसे भगवान के मेहरारू के उठा लेगल तो भगवान सुतनन की धोबी ससुरा वाला हमरे मेहरुआ के ले गई बा यही सोन मारे जीत तो के बदे जीदी आ गिल मारे बदे और मरायल कैसे जब आपन परिवार मिलल तब मराल और ओके कोई कुछ कर न सकत जब आपन परिवार फट जाय तब उस समझ जा कि वैसे एक रही ककरी तब ओके क्यों न पूछी उसे क्यों का न लगी जबरी जब वो फूट जाए तब जब वो फूट हो जाई तब ओके सियार खा जाई जान जा कि ककरी रहल तब केहू का जबरी ना लगल जब फूट गल बा तब सियार होके ससुर खा जाई तो जब हमरे तोरे में फूट हो जाई तो एक गांव कर रही वो दुपट के तो खड़ा हो जाई सामने फूट कितना बुरा कोनो चीज ना हो भभीषण जबर रहल ई खानदार रहल दशरथ को आके अपने खानदान में मिल करके सारा भेद लंका को बता करके लंका को नाश कराया था इसे कहल आपन जब मिल जाला अब देख ला लालू में मुलायम में भइल बा दोनों झगड़ा कैले बान हिराई सब और दोनों चौधरी साहब का चेला पक्का हो और दोनों में वक्त तनाव आ गई बा अब कहक मतलब यह भाजपा चाहत रहल कि इन्हने दूध अरे रही तो कब्बो इन्हने का पटरी वह सामने आ गई बा विपद तो कहक मतलब जब आपन बिगड़ जाला तो केव के समर लेना समरत तो ये भैया अब देख ला ये तीन शादी आप लोग के बता दिली अब चौथी शादी आ गई बा जैसे लोटा के हाँ 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 ये वहां चौथी शादी बतावत भाई आप लोग दिमाग से फरिया ले हा कि के का कहल जाई आए जैसे लोटा आका डोरिया रे सजनी आ जैसे लोटा अरे रे सजनी अरे रे सजनी हो जैसे लोटा आस आयल द्वापति बीसता तोर सूरतिया बड़ी प्यारी रे सजनी अरे संतनु किए अरे माझी का छोकरिया रे सजनी तोर सूरतिया बड़ी संतनु के जानत हुआ संतनु के रहल ई भीषम का बाबू संतनु रहलन अपने के छत्री लिखत रहलन ओन कैसे शादी कैले रहलन माझी का लड़की रहल मल्लाहे को जाके अब पढ़वे महाभारत की हमसे लड़वे तो ठाकुर रह की हम समझत है मल्लाह रह मल्लाहिनी से शादी कैले रहलन जेकर नाम संतनु बा मल्लाहे के लड़की से जाके कहलन और कैलन शादी
और वही शादी बदे प्रण के लिए तो यहाँ कभी भाव दे ले बा आए तोर सूरतिया बड़ी प्यारी रे अरे माझी के छोकरिया से अरे कैला भूप सदिया रे सज हई द्वापर कह दी सता संतनु भीषम दादा का बाबू माझी से जाके माझी के लड़की से ब्याह कैलन और संतनु हो चुका ललन माझी लोग कलन कि हम अपन बिटिया न बियह कहे से कि उनके एक बेटवा बा सारा संपत्ति का मालिक उ होई तब भीषम दादा प्रण कैलन कि हम पृथ्वी पर प्रण करत है हम अपन ब्याह न करब जे माँ मल्लाहन का खानदान रही वह राजा तो मल्लाहन का खानदान के रहल पांचों पंडवा उ मल्लाहे का खानदान रहलन लेकिन भीषम दादा मदद कैलन छत्री का छत्री के रहल छत्री रहलन दुर्योधन दुर्योधन का मदद किया लेकिन मल्लाहन का मदद नहीं हुआ। आप लोग विचार कर लो इतना बड़ा जातीता तौर से चल आवत बा आज हम सब एक कौन करत भाई तौर से जातीता चल आवत बा अब बात आ गई कलयुग का भैया आइल काला जू कपारी रे सजनी कलयुग में का भइल बा आप देख ल जब भगवान का अवतारी होत रहल तब भी अपन जेही के मन करे तेही से लोग ब्याह करे जौन मन करे वह लोग लिख दे आज कलयुग आ गइल बा जब हमने का ग्वाल नाम रहल ग्वाला तब गंवार रहे तब कुछ जानकारी नहीं रहल जब भय अहीर तब कहे यह हो अब हो गई है यादो अब याद करे के हमें सब हो कि हमने का है कैसे रह के अब तो यादो हो गया अब तक टाइटिल यादो के लगे लगे तो कह मतलब इबा अपने नाम पर भी कुछ ख्याल होए के चाहिए नानू जरा विचार कर ले भैया तर्ज मिलल तर्ज बजा दे भैया आए अरे नगरिया के सुन कैला पपिया अरे नगरिया के सुन कैला पपिया अरे नगरिया के सुन कैला पपिया लहड़े सुरजन सिंह हर गुण हो नगर एक सुरजन सिंह छत्री था कलयुग में लहड़े अपने और लड़कन से पूछबाम तो उस सुरजनों सिंह के बताई हैं और अकबर के भी बताई हैं जब अकबर चढ़ाई किया हिंदुओं के राज पर तब उस समय सुरजन सिंह छत्री रहलन तो लड़ाई दोनों में हो गई अरे अकबर की हार भाई अरे किया हूँ तियारी या नगरी
लाड़े सुरजन सिंगा हारद रणथंभौर, रणथंभौर पर सुरजन सिंह ने उसी समय अकबर के और इनसे दोनों वीरन से लड़ाई भइल। अब उसी समय अकबर रण में हार गया, उनसे संधि करने मतलब सुल्ला करने के गयल। तो सुल्ला में उसी समय वो तीन चीज मंगलन, कौन कौन चीज मंगले हुए नथिन, भाव बदल गई ले भैया। ऐसे ना मैं करूंगा संधि, अरे राजा कहे विचार यही हो बागी। तब तीन शर्त रखलन कि हमार तीनों शर्त मंजूर करेगा तब तुमसे सुलह हो जाएगा। आई हो बागी तीन शर्त मोर बाड़ करा विचार। राजकुमारिन की शादी ना मुगलन से अब होई, पहला शर्त ये ही मेरा करना तुम्हें विचार अयो बा। शर्त दूसरा सुनला बाबर यार अयो बा। सुरजन सिंह कलन की अब छत्रिन का मतलब मोगलन के साथ, मुसलमानों के साथ, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की लड़की का शादी नहीं होगा। इस शर्त पहला रख लो। और जैसे मोगली सेना आज आप लोग रास्ते में बहुत बड़ी परेशानी हमार भई, मुसलमान थोड़ी सा लोहता में पड़ गए हो, खाली तलवार और बल्लम गड़ासा, खाली हरबा हथियार दिखात रहल। यही के छत्री कहत रहे कि जैसे मुसलमान का सेना जाला वैसे दसवीं दीवारी फगुआ पर हमार भी सेना जाएगा तलवार लेकर मुसलमानों के राजधानी में। इस शर्त को मंजूर करो। अकबर कहे कि तुम्हारी शर्त मुझको मंजूर है, मगर आप लोग विचार कर ला। और यह बात हो के तय भल, तब से एक सामने छत्री का काव्या भल, मान सिंह ठाकुर अपनी बहन की शादी कैसे कर दिया, जाकर के अकबर से अपनी बहन का शादी कर दिया। आप विचार करो, अपनी बहन का शादी ठाकुर खुद जाकर मुसलमानों से किया है, तो उसको छत्री मान लिया जाए या मुसलमान मान लिया जाए, ये हमरे सबके, आप अपने घर के बच्चों से पूछेंगे तो जरूर बताएंगे कि हाँ बाबू जी एक बार इतिहास कहला कि छत्री ब्याह कैले हों जाके मुसलमानों से, अपनी बहन को ब्याह कह के अपने साला बन के मंत्री बन के राज ले ले बाना। सलामी मंजूर कैले हुए, यही से ठकुरन के कहल जला सलाम बाबू साहब, तो उनका ही सलाम बाबू साहब। आप विचार करो, सलाम बाबू साहब तो सलाम बाबू साहब हो गल। मुसलमानी भाषा ठाकुर लोग के करबो तो बड़ा खुशी न रही, मुसलमान बहनोई न बा, हम अपन बहन भी हक ले गई ली कि अपन बहन छूट दिए हम। अखबार जौन की इतिहास बा ओके फुकवा दे तब कहब पढ़ब बंद हो जाए नली लड़का, जब तक जिये तब तक उसको पढ़ेंगे। विचार कर लीजिए, तो उनको छत्री माना जाए या मुसलमान माना जाए। और आप देखेंगे कि मोतीलाल का खानदान शादी में आप उठा करके पढ़ेंगे तो मोतीलाल एक ब्राह्मणी से शादी किए थे, एक बभाई एक नहीं आई। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी करी पासी से,
उनका लड़का पंजाबी से, उनका लड़का इटली में, उनका जात पात का पता नहीं बा। एक से नए में शादी प्रियंका कैले से जाके छठेरा से जवन बर्तनवा बेच ले। आप विचार कर लो, जात बा कहीं मिल जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बा उहे तरह से ओकर लड़की लड़का शादी कर मान तो कहाँ जात बा, जात के देखेब तब न हम मानब। तो कहना बा गुरु बिहारी पढ़ो वेद को छान मास्टर स्वरूप हर युग में भइल परेशान खेती सोहन ग्वाल का नई नई कवितैया